फिर तरह बोलता हूँ। मेरी बरात साढ़े आज चीफ गेस्ट मुख वक्ता परम पूज्य बोधी सत्व विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पड़पोते राज रतन अंबेडकर जी। मेरी सारे बेनती है कि प्लीज कोई साथी सुने तो बगैर ना जाए, भोजन का भी प्रबंध है ते भोजन तो पहला विचार का प्रबंध होना जरूरी है। इस करके विचार लो, भोजन सानू खुद मिलेगा। जय भीम जय पाक साढ़े मान योग राज रतन अंबेडकर जी। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, संत कबीर, गुरु रविदास जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी जी, माता रमाई, माता भीमाई और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। आज अंबेडकर सेना मूल निवासी इस संगठन की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 128वीं जयंती के माध्यम से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। अंबेडकर सेना मूल निवासी के प्रधान हरभजन सुमन जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित, सुखा सिंह खालसा जी, सोहन सहजल जी, अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन कनाडा के चीफ चंचल मल जी, रणदीप एडवोकेट जी, शहीद जसवंत बाबी जी के डैडी लादी जी, एस एल वीरती जी जिन्होंने अपने यहाँ पर अपनी बात रखी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजचंद्र अंबेडकर का जय भीम। आज हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी की 128वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। जापान में बाबा साहब की जयंती मनाई गई, कनाडा में बाबा साहब की जयंती मनाई गई, यूनाइटेड नेशन के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मनाई जाती है, लंदन में मनाई जा रही है, पूरे विश्व में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। एक तरफ हम लोग हैं जो तहे दिल से बाबा साहब से प्यार करते हैं, तहे दिल से बाबा साहब को मानते हैं, तहे दिल से जय भीम का नारा लगाते हैं, आज वो लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग बाबा साहब की जयंती आज मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को पूरे जीवन भर उन्होंने तकलीफें दी, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को संसद में जाने नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में जाने से रोका, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को लोकसभा में एक बार नहीं दो बार, और ऐसे उम्मीदवारों से जो चौथी फेल और सातवीं फेल है ऐसे उम्मीदवारों से बाबा साहब को हरवाया, ऐसे भी लोग आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो लोग इस देश के डेमोक्रेटिक कंडीशन को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, ऐसे भी लोग आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं उसके पीछे वैलिड रीजन है, उसके पीछे हमारी भावना है, लेकिन ये लोग जो जयंती मना रहे हैं इनकी क्या मजबूरी है? आपकी जयंती किसी चैनल पे नहीं दिखाई जाएगी, ना आज तक पे आएगी, ना जी न्यूज पे आएगी, किसी चैनल पे आप लोगों की जयंती बताई नहीं जाएगी। लेकिन जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं, बाबा साहब के संविधान का विरोध करते हैं, उनकी जयंती 14 तारीख से लाइव चल रही है, लाइव। राहुल गांधी बाबा साहब के मूर्ति पे हार डालेगा, जय भीम का नारा देगा, हमको घर पे बैठे बैठे लगेगा देखो राहुल गांधी ने जय भीम कहा। नरेंद्र मोदी बाबा साहब के चरणों में फूल डालेगा,
और जय भीम का नारा देगा, हमको लगेगा देखो नरेंद्र मोदी ने जय भीम का। आज क्या मजबूरी है इनकी, सोचिए। जो लोग तह दिल से बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं, बाबा साहब के काम से नफरत करते हैं, वो लोग आज जय भीम बोलने पे मजबूर क्यों हुए हैं? इसका उत्तर भी मैं आपको देता हूं, इसका जवाब मैं आपको देता हूं, इसका जवाब सन 1917 में छुपा हुआ है। 1917 में इस देश में जब साउथ ब्यूरो कमेटी का गठन हुआ, ब्रिटिशरों के राज में साउथ ब्यूरो कमेटी को यहां भेजा गया, और साउथ ब्यूरो कमेटी का काम था कि इस देश में आकर इस देश के लोगों की जानकारी हासिल करना और आने वाले संविधान में इस देश के लोगों को क्या क्या अधिकार देने चाहिए उसकी उसका ब्यौरा तैयार करना। साउथ ब्यूरो इस देश में आया, साउथ ब्यूरो कमेटी इस देश में आई, और इस देश में आते ही गांधी नेहरू ने साउथ ब्यूरो कमेटी को अपना बयान दिया। साउथ ब्यूरो कमेटी को कहा, देखिए आप इस देश में आने वाले संविधान में इस देश के लोगों के लिए हक और अधिकार देने के लिए आए हैं, उन हक और अधिकार में कौन से अधिकार है हम जानना चाहते हैं। साउथ ब्यूरो ने कहा, इस देश के लोगों को हम वोट देने का अधिकार देने वाले हैं। गांधी नेहरू ने कहा, ठीक है आप इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार देना चाहते हो तो ये वोट देने का अधिकार केवल 3 वर्गों को मिलना चाहिए। साउथ ब्यूरो ने सवाल किया कि कौन से 3 वर्ग? गांधी ने कहा कि इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं और कम से कम 8वीं पास होने का सबूत दिखा सकते हैं, ऐसे ही लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा वर्ग, जो लोग इस देश में टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसे ही लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और तीसरा वर्ग, इस देश के राजा महाराजा और संस्थानिक, इन्हीं लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। गांधी नेहरू की इस बात को मानते हुए साउथ ब्यूरो ने उनकी इन बातों को सुना। बाबा साहब को इस बात का पता चला, बाबा साहब को पता चला कि गांधी नेहरू ने इस तरह का बयान साउथ ब्यूरो कमेटी को दिया है, और बाबा साहब को पता चला कि साउथ ब्यूरो कमेटी ने अगर इनकी बात मान ली तो इस देश के बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। बाबा साहब ने साउथ ब्यूरो कमेटी को पकड़ा और कहा कि अगर गांधी नेहरू के कहने के हिसाब से अगर इस देश में आप वोट देने का अधिकार दोगे तो इस देश के बाकी लोगों को तो वोट देने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। साउथ ब्यूरो ने पूछा, कैसे नहीं मिलेगा, हमें जरा समझाओ। बाबा साहब ने कहा, इस देश में मनुस्मृति का कानून है और मनुस्मृति के अनुसार इस देश के शूद्रों को, इस देश के लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं है, और अगर पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं हो तो 8वीं पास होने का सबूत कहां से लाकर दिखाएंगे? मनुस्मृति के कानून के अनुसार हम लोगों को पैसा कमाने का अधिकार नहीं, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं। अगर हम लोगों के पास जमीन ही नहीं हो, पैसे ही नहीं हो, तो उस जमीन के ऊपर, उस पैसों के ऊपर टैक्स भरी हुई इसे हम कहां से बताएंगे? हमारे पास ये सारे दस्तावेज आपको बताने के लिए नहीं है, हमारे पास नहीं है। साउथ ब्यूरो ने सवाल किया, तो फिर इस देश के बाकी के लोगों को वोट देने का अधिकार देना है तो हमको क्या करना होगा? बाबा साहब ने कहा, देखिए एक तो आपको हम 8वीं पास होने का कोई सबूत नहीं दिखा सकते, प्रॉपर्टी टैक्स की, इनकम टैक्स की कोई रिसीट नहीं दिखा सकते, लेकिन एक बात है जो हम आपको साबित करके दे सकते हैं, और वो ये है कि हम इस देश में जन्म लेते हैं, हम इस देश में जन्म लेते हैं, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, और इसलिए आपको अगर इस देश में वोट देने का अधिकार देना है तो वो आप हमारी उम्र के आधार पर दीजिए, हमारी उम्र के आधार पर दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस बात को मानते हुए साउथ ब्यूरो कमेटी ने 1919 में एडल्ट फ्रेंचाइज नाम का आर्टिकल तैयार किया, और एडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के हर एक व्यक्ति को 21 साल का होने के बाद वोट देने का अधिकार दे देता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के वजह से इस देश के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
आज जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते, उनके संविधान को नहीं मानते, वो जय भीम क्यों बोलते हैं पता है? उनको पता है कि आपके हाथ में बाबा साहब ने क्या ताकत दी है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब वोट का ये अधिकार प्राप्त किया तो वो अपने ऑफिस गए। दूर से ही बाबा साहब के कार्यकर्ता ने देखा कि बाबा साहब आ रहे हैं और हंसते हुए आ रहे हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं। उस कार्यकर्ता ने बाबा साहब को रोका और पूछा, बाबा साहब आज आप इतने खुश कैसे हो? बाबा साहब ने कहा, आज मैं बहुत बड़ा काम करके आया हूं, आज मैं बहुत बड़ा काम करके आया हूं। उस कार्यकर्ता ने फिर से सवाल किया, बाबा साहब आप हमेशा बड़े बड़े काम करते हो, आज ऐसा कौन सा बड़ा काम करके आए हो? बाबा साहब ने जवाब दिया, मैं रास्ते पर के भिखारी को राजा बनने का अधिकार देकर आया हूं, राजा होने का अधिकार देकर आया हूं। ये जो अधिकार बाबा साहब ने आपके हाथों में दिया है, उस अधिकार को आपके हाथों से लेने के लिए उनको जय भीम बोलना पड़ता है। जो लोग पांच पांच साल तक हवा में उड़ते हैं, आज इस देश में, कल उस देश में, परसों उस देश में, वो लोग आज जमीन पे उतर के आपके पैर धोने के लिए मजबूर हो गए। ये बाबा साहब की वजह से ये लोग आज आपके पैर धोने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इस देश की व्यवस्था ने बाबा साहब का ये अधिकार हमारे हाथों में ज्यादा देर तक रखा नहीं। बाबा साहब एक दिन संसद से उतर रहे थे तो कांग्रेस के ज्येष्ठ कार्यकर्ता थे कृपलानी नाम के, बाबा साहब की मुलाकात कृपलानी से उस लैडर पर हुई, स्टेप्स पर हुई। कृपलानी उतरते उतरते बाबा साहब से कहा, बाबा साहब अपने आपके लोगों को वोट देने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन आपके लोग गरीब हैं, आपके लोग लाचार हैं, हम आपके लोगों के वोट पैसे देकर खरीद लेंगे और अपनी सरकारें बनाएंगे। बाबा साहब ने जवाब दिया, कृपलानी मुझे मालूम है कि मेरे लोग गरीब हैं, मुझे मालूम है कि मेरे लोग लाचार हैं, शायद वो पैसों के लिए अपना वोट बेच भी देंगे, लेकिन जिस दिन मेरे लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने उनके हाथों में क्या ताकत दे रखी है, उस दिन तुम्हारे जैसा बड़ा भिखारी इस देश में कोई नहीं होगा। बाबा साहब ने हम लोगों को यह ताकत दी है, लेकिन ये इस देश की व्यवस्था ने इस देश के लोगों के ऊपर इतनी गरीबी, उनकी अवस्था, उनकी परिस्थिति इतनी निचले स्तर पर लाकर रख दी कि वो इंसान अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार, आपके जीवन का सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है? घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बच्चों की शादी करवाना? बिल्कुल नहीं। आपके जीवन का सबसे बड़ा अधिकार यानी वोट देना है, लेकिन अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार इस व्यवस्था ने हमको इतना मजबूर कर दिया कि हमारा पुरुष वर्ग शराब के ऊपर बाबा साहब का सबसे मूल्यवान अधिकार बेचने लग गया। हमारी महिलाएं, इस देश की महिलाएं साड़ियों के लिए अपना वोट का अधिकार बेचना शुरू कर दिया। हमारा युवा 500 रुपया 1000 रुपये के ऊपर बाबा साहब के जीवन का सबसे मूल्यवान अधिकार वो बेचना शुरू कर दिया। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, मैंने हरवंश जी से विनती की कि अगर मुझे संविधान की कॉपी मिल सके, तो उन्होंने मुझे कॉपी तो दी है लेकिन ये पंजाबी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको हिंदी समझ तो आ रही है ना? नहीं, मुझे पंजाबी पढ़ने नहीं आएगी तो मैं आपकी मदद लूंगा उस समय। देखिए, आज जो परिस्थिति विरदी सर ने बताई, किस तरह की परिस्थिति, किस तरह का माहौल इस देश में हुआ है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी हम लोग हैं। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, आज हमारा पुरुष वर्ग शराब के लिए बेच देता है। बाबा साहब अंबेडकर जब परदेश में रहा करते थे पढ़ाई करने के लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तब वहां का तापमान, वहां का क्लाइमेट
इतना ठंड हुआ करता था कि 0 डिग्री से कम वहां पर तापमान हुआ करता था। वहां के डॉक्टर्स बाबा साहब से आकर कहते कि बाबा साहब, इतनी ठंड में अगर आपको जिंदा रहना है तो दवाई के तौर पर तो ये डॉक्टर ब्रैंडी, ये दवाई के तौर पर तो लीजिए। जीवन मरण का प्रश्न होने के बावजूद, जीने मरने का सवाल होने के बावजूद, बाबा साहब ने कभी शराब के एक बूंद को हाथ नहीं लगाया, शराब के एक बूंद को हाथ नहीं लगाया। उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी का अधिकार हमने शराब पर बेच दिया। और हमारी महिलाएं, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट ले लो, हर स्टेट में महिलाओं के वोट्स कैसे खरीदे जाते हैं? साड़ी देते हैं, वोट ले लेते हैं, साड़ियों के ऊपर वोट लिए जाते हैं। मैं बाबा साहब का एक किस्सा आपको बताता हूं। बाबा साहब की पीएचडी पूरी हो गई और बाबा साहब बोट से, समुद्र के मार्ग से मुंबई के लिए निकले। मुंबई के कार्यकर्ताओं को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर इस जहाज से उतरने वाले हैं। उन कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर जी का सत्कार आयोजित किया, सत्कार उनका आयोजित किया। ये बात माता रमाई को घर पर पता चली। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब आने वाले हैं, मेरे पति आ रहे हैं और उनका सत्कार होने वाला है। माता रमाई ने एक छोटी सी इच्छा व्यक्त की कि मेरे पति का सत्कार मुझे मेरी आंखों से देखना है, मेरे पति का सत्कार मुझे मेरी आंखों से देखना है। एक छोटी सी इच्छा माता रमाई ने व्यक्त की, मगर माता रमाई की एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी पता है? माता रमाई ने जो साड़ी पहनी हुई थी वो 7 जगहों से फटी हुई थी। एक विद्या विभूषित व्यक्ति, हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति का सम्मान होने जा रहा है, सत्कार होने जा रहा है। माता रमाई इस विचार में खो गए कि इतने बड़े आदमी का सत्कार होने वाला है और उनकी पत्नी ऐसे फटे साड़ी में जाए, लोग क्या कहेंगे। माता रमाई सोच रहे थे कि कैसे देखा जाए बाबा साहब का सत्कार। तब माता रमाई को याद आया कि छत्रपति शाहू महाराज, कोल्हापुर के शाहू महाराज जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को एक बार पगड़ी पहनाई थी और वो पगड़ी उन्होंने समेट कर ठीक से एक ट्रंक में रखी हुई है। माता रमाई ने वो ट्रंक खोली, वो पगड़ी निकाली और जहां जहां पर वो साड़ी फटी है वहां वहां पर लपेट कर माता रमाई बाबा साहब का सत्कार देखने के लिए गई। अब पति का सत्कार हो रहा है तो पत्नी ने मंच पर बैठकर देखना चाहिए, लेकिन माता रमाई मंच पर नहीं आए, कम से कम पहले रो में बैठकर देखना चाहिए। पहले रो में बैठकर भी माता रमाई बाबा साहब का सत्कार नहीं देख रहे थे। जहां पर बाबा साहब का सत्कार चल रहा था वहां पे एक पेड़ के पीछे चुप चुप कर बाबा साहब का सत्कार देख रही थी, चुप चुप कर। अब बाबा साहब का लक्ष्य पूरे समाज पर, बाबा साहब ने इतनी भीड़ में देखा कि माता रमाई चुप चुप कर मेरा सत्कार देख रही है और वो आगे क्यों नहीं आ रही, क्यों आगे नहीं आ रही, इसकी वजह भी बाबा साहब को पता चल गई क्यों नहीं आगे आ रही। बाबा साहब अंबेडकर मन से नीचे उतरे, सत्कार संपन्न हुआ, मन से नीचे उतरे, उस पेड़ की तरफ चलते हुए गए, माता रमाई का हाथ अपने हाथ में लिया और माता रमाई से कहा, रामू मुझे अगर तेरे अकेले का संसार करना होता तो मैं वो सोने जैसा करता, अगर मुझे तेरे अकेले का संसार करना होता तो मैं वो सोने जैसा करता, लेकिन मुझे मेरे इस समाज का संसार खड़ा करना है, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया। बाबा साहब अंबेडकर जी आज, बाबा साहब अंबेडकर जी के त्याग के वजह से, आंदोलन के वजह से,
माता रमाई के आंदोलन के वजह से, माता रमाई के त्याग के वजह से इस देश की महिलाओं की परिस्थिति कितनी बदल गई है पता है? अलमारी खोलते ही धड़ाम करके साड़ियां नीचे गिर जाती है। आज आपके शरीर पर जो अच्छी साड़ी आई है, माता रमाई ने अगर फटी हुई साड़ी नहीं पहनी होती तो आज भी आपके शरीर पर अच्छी साड़ी नहीं आती। ये माता रमाई का त्याग है। उन्हीं माता रमाई के त्याग को इस देश के महिलाओं ने साड़ी के लिए बेच दिया। इतनी इस देश के महिलाओं की परिस्थिति को इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था ने नीचे घसीटा। और हमारा युवा 500 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, चाहिए उस पार्टी का झंडा हाथ में लेकर पूरे बस्ती में घूमता है। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने अगर ये सोचा होता कि मुझे मेरे समाज का संसार खड़ा करना है, मेरे बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये सोचा होता कि मुझे मेरे परिवार का पालन पोषण करना है, मुझे मेरे परिवार के लिए पैसे कमाने हैं, मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, मुझे व्यवसाय कर लेना चाहिए, बिजनेस कर लेना चाहिए, ये बात अगर बाबा साहब अंबेडकर जी सोचते तो शायद आज मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ होता, मेरा जन्म लंदन या अमेरिका में हुआ होता। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अगर उस समय अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी की होती, हर साल इस देश में अमीरों की सूची बनाई जाती है कि इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन, और हर साल अंबानी का नाम पहले क्रमांक पर आता है। बाबा साहब अगर उस समय नौकरी कर लेते, उस समय व्यवसाय करते, बिजनेस करते, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज इस साल भी अमीरों के सूची में अंबानी का नहीं अंबेडकर का नाम पहले स्थान पर होता। लेकिन मुझे अभिमान है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी नहीं की, व्यवसाय नहीं किया। नौकरी या व्यवसाय किया होता तो शायद आज मेरे पास करोड़ों रुपए होते, लेकिन नौकरी व्यवसाय किया नहीं, ये करोड़ों का समाज बाबा साहब अंबेडकर तैयार कर गए। लेकिन हम लोगों का वो कर्तव्य है कि कम से कम, देखिए आज मैं डॉक्टर क्या सर का नाम है भूल गया, डॉक्टर जगदीश जी, डॉक्टर जगदीश जी के घर पे रुका था और उनके ऑफिस के बाहर, उसके उनके क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड उन्होंने लगाया कि एक बाबा साहब अंबेडकर करोड़ों लोगों के लिए अधिकार देकर गए, एक बाबा साहब अंबेडकर करोड़ों लोगों के लिए अधिकार देकर गए, लेकिन आज करोड़ों लोग बाबा साहब का एक सपना पूरा नहीं कर सकते। और यह परिस्थिति सही है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान हम लोगों के लिए दिया वो संविधान आज इतने बड़े खतरे में आ गया है। और यह मैं नहीं कह रहा, आपको लगता होगा कि बाबा साहब के परिवार का है इसलिए कुछ भी कह रहा, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस कुरियन, जस्टिस जिलामेश्वर, जस्टिस गोगोई, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज। और देश के संविधान को हटाने की बात कौन कह रहा है? साधारण सा कार्यकर्ता कह रहा है? बिल्कुल नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर आनंद हेगड़े, आपने नाम सुना होगा। इस देश के दलित सब कुत्ते हैं और हम इस देश में सत्ता में इसलिए आए हैं ताकि इस देश का संविधान बदल सके, ऑफिशियल स्टेटमेंट। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, स्टेटमेंट देता है कि आज राज्यसभा में हमारी कुछ सीटें कम है, जैसे ही वो बढ़ जाएंगी हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। ये
मिनिस्ट्री पे होने वाले लोग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, मिनिस्टर्स इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या है संविधान? क्या ये 300 आर्टिकल्स की एक किताब बाबा साहब ने लिखी है? क्या ये कुछ पन्नों की किताब बाबा साहब ने लिखी है उसको हम संविधान कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये कुछ पन्नों का किताब यानी संविधान नहीं है। मैं संविधान क्या है ये थोड़ी विस्तार से आपको समझाता हूं। संविधान क्या है? 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने यह संविधान संविधान सभा में सौंप दिया, संविधान सभा को दे दिया और बाबा साहब अपने घर गए, अलीपुर रोड के बंगले पर गए। बाबा साहब की आराम कुर्सी हुआ करती थी, उस कुर्सी के ऊपर बाबा साहब बैठे। बाबा साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में बाबा साहब के आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। बाबा साहब रो रहे हैं। ये बात उनके सेक्रेटरी शंकरन शास्त्री ने देखा। शास्त्री जी ने देखा कि बाबा साहब अंबेडकर रो रहे हैं। शास्त्री जी को पता नहीं चला कि बाबा साहब को कैसे उठाए। शंकरन शास्त्री बाबा साहब अंबेडकर जी के पैरों के यहां बैठे, उनका पैर दबाते दबाते वो बाबा साहब से उन्होंने सवाल किया, बाबा साहब अभी आप इस देश को संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था आपने इस देश को दी है, आप क्यों रोते हो, आप क्यों रो रहे हो, किस बात का दुख है आपको? बाबा साहब ने शास्त्री से कहा, शास्त्री 1917 से लेकर आज तक मेरे जीवन का जो सफर हुआ उस सफर को मैं याद कर रहा था और इस सफर को याद करते करते मुझे मेरा सबसे प्यारा बेटा याद आ गया, मेरा बेटा राजरत्न, मेरा जो नाम है ये मेरा नाम मेरे पिताजी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के सबसे प्यारे बच्चे के याद पर रखा है। बाबा साहब का पांचवा बेटा राजरत्न ये 2.5 साल का था, जुलाई 1926, 2.5 साल का था, इसको डबल निमोनिया हो गया। लेकिन उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी उस समय वकीली किया करते थे और वकीली से कितने पैसे मिलते थे बताया आपको? मेरे पास बाबा साहब के कुछ लेटर्स हैं, उन लेटर में बाबा साहब को कितने पैसे मिला करते थे उसमें बाबा साहब ने कुछ जिक्र किया। क्या लिखते हैं बताएं बाबा साहब? आप मेरी फीस नहीं देते तो ठीक है, कम से कम आने जाने का किराया तो दीजिए। यानी जिस समाज के केसेस बाबा साहब लेते थे उस समाज के पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। यानी वकीली क्षेत्र में से भी बाबा साहब अपने घर के लिए कोई पैसे इकट्ठा नहीं करते थे। उस समय राजरत्न बीमार पड़ गया, बाबा साहब के पास राजरत्न के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, डबल निमोनिया हुआ, वो घर में था और बाबा साहब हाईकोर्ट में थे। माता रमाई ने देखा कि राजरत्न का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब के कार्यकर्ता से कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो उनको तुरंत घर लेकर आओ। ये कार्यकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा और बाबा साहब अम्बेडकर जी को उन्होंने संदेशा दिया कि माता रमाई ने आपको तुरंत घर बुलाया है, माता रमाई ने आपको घर बुलाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पता चला क्या हुआ होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस हाईकोर्ट के दरवाजे से तांगा किया और वो तांगा बाबा साहब जिस चाली में रहा करते थे उस चाली के दरवाजे पर आकर रुक गया। बाबा साहब की 10x10 की रूम थी। बाबा साहब अपने रूम में प्रवेश करते हैं, उस राजरत्न को अपने गोद में लेते हैं, बाहों में लेते हैं और उसी गोद में राजरत्न बाबा साहब के दम तोड़ देता है। बाबा साहब उस समय इतना फूट फूट कर रोते हैं, दीवार पर सर पटक पटक कर बाबा साहब रो रहे थे। सभी कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि बाबा साहब को शांत कैसे करें, कैसे शांत करें। बाबा साहब का बचपन का दोस्त मालूम ये आगे आया, बाबा साहब को शांत किया,
शांत करने के बाद बाबा साहब की कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब से सवाल किया कि बाबा साहब अब राजरत्न के शरीर पर अंतविधि करनी चाहिए। अंतविधि करने के लिए रीति रिवाज के अनुसार पिता के पैसों से बच्चे के शरीर पर नए कपड़े लाने होते हैं, वो नए कपड़े लाने के लिए पैसे दीजिए। शांत हुए बाबा साहब फिर फूट फूट कर रोने लग गए। बगल में माता रमाई खड़ी थी, माता रमाई को पता चला कि इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जेब में नए कपड़े लाने छोड़ो, कफन लाने तक के पैसे बाबा साहब के पास नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और राजरत्न के शरीर पर कफन के तौर पर डाली। बाबा साहब अंबेडकर, माता रमाई, राजरत्न के शरीर को अंतविधि करवा के बाबा साहब अंबेडकर घर आए। ये बात बाबा साहब अंबेडकर जी को 26 नवंबर 1949 को याद आ गई। बाबा साहब शास्त्री से कहते हैं शास्त्री एक समय था कि मेरा राजरत्न इस विश्व से जाते हुए मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरा राजरत्न इस विश्व से जब जा रहा था तब उसके शरीर पर मैं कफन तक डाल नहीं सका, लेकिन मैंने आज इस देश को यह संविधान दे दिया है, मैंने आज इस देश को संविधान दे दिया है और ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में जन्म लेगा। ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में निर्माण कर दी है। क्यों हटाना चाहते हैं वो ये संविधान? क्यों इस संविधान के खिलाफ इस देश के ब्राह्मण इस देश के संविधान के खिलाफ क्यों है? मैं विनती करूंगा आप में से किसी एक को कि आपने केवल आर्टिकल 1 पढ़े, आप आइए आर्टिकल 13 क्या लिखते हैं बाबा साहब। फर्स्ट इस संविधान के शुरू तो ठीक पहला भारत के राज खेत्र विच पाइया सब विधियां उस मात्र तक सिफर मतलब जीरो शून्य होनगियां। इस हद तक वह इस भाग के प्रबंध का नाल मेल नहीं खाती। इसको मैं समझाता हूं, इस आर्टिकल को आपको समझाता हूं। यह संविधान इस देश में लागू होने से पहले इस देश में मनुस्मृति का कानून था कि नहीं? इस देश में मनुस्मृति लागू थी। 26 जनवरी 1950 सुबह 10 बजे से पहले तक इस देश के ऊपर मनुस्मृति का कानून था। बाबा साहब ने इस देश में आर्टिकल 13 बना दिया और क्या लिखते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब लिखते हैं कि ये संविधान लागू होने से ठीक पहले इस देश में जितनी भी विधियां है, जितने भी कानून है, मैं आज से उसको शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब ने मनुस्मृति को इस देश से हटा दिया। एक लाइन में बाबा साहब ने मनुस्मृति को हटा दिया और यही वजह है इस संविधान को वो हटाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये संविधान इस देश के ऊपर है वो अपनी मनुस्मृति को लागू नहीं कर सकते। क्यों खिलाफ है वो इस देश के संविधान के? क्योंकि आज जो तुम्हारे गले में बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से टाई आई है, ये टाई उनको चुभती है। उनकी नजरों में आपके गले की टाई चुभती है और ये टाई हटाकर फिर से आपके गले में हांडी कैसे बांधी जाए इसकी योजना वो संसद में बैठकर करते हैं। आपके कमर में आज जो बेल्ट आ गया है ये बेल्ट उनके नजरों में चुभता है, ये बेल्ट उनके नजरों में चुभता है और ये बेल्ट हटाकर फिर से आपके कमर पे झाड़ू कैसे बांधा जाए इसकी योजना वो रोज संसद से करते हैं। और इसलिए यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए
कि जो अधिकार बाबा साहब ने हमको दिए हैं कम से कम हम उसको तो बचाए। उन अधिकारों को बचाने का आंदोलन हमको इस देश में करना होगा। लेकिन आज हम वो आंदोलन करते दिखाई नहीं दे रहे। हमारा पढ़ा लिखा वर्ग ऑफिसर्स आज इस आंदोलन में नहीं आ रहे। देखिए आज बाबा साहब अंबेडकर जी के इन अधिकारों के वजह से हम बड़े बड़े औहदों पर गए। मैं बाबा साहब का एक किस्सा आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब जब कानून मंत्री थे तब हमारे एक बच्चे ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। देखिए अभी भी हमारा एक बच्चा यूपीएससी में देश में टॉप में आया है, पूरे भारत से टॉप में आया है। लेकिन वो उसका क्रेडिट किसको देता है? मेरे मां, मेरे बाप और मेरे गर्लफ्रेंड को। आज बाबा साहब की वजह से हम लोग यूपीएससी में आ रहे हैं, एमपीएससी में ऊपर आ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, ऑफिसर्स बन रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट आज बाबा साहब को नहीं मिल रहा है। वही मुझे अभी अभिमान है कि 398 नंबर पे आया हुआ लड़का वो बाबा साहब की तस्वीर को सर पर लेकर बाबा साहब को क्रेडिट देता है। फर्स्ट आया है वो बाबा साहब को क्रेडिट नहीं दे रहा। क्या हुआ? देखिए बाबा साहब जब कानून मंत्री थे तो हमारा ऐसा ही एक लड़का आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया। और बाबा साहब को बात पता चली, अरे हमारे समाज का एक लड़का कलेक्टर बन गया। बाबा साहब ने उस कलेक्टर बने हुए लड़के को संदेशा भिजवाया कि आप आइए और एक बार मुझसे मुलाकात कीजिए। वो कलेक्टर लड़का, उसको लगा कानून मंत्री मुझे बुला रहे हैं तो जरूर मुझसे कुछ चाहिए होगा। इसलिए वो कलेक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर गया। बाबा साहब अम्बेडकर पेपर पढ़ रहे थे। बाबा साहब ने देखा कि वो लड़का आ गया है, कलेक्टर आ गया है। बाबा साहब ने पेपर हटाया और कहा, आप कलेक्टर बन गए हो? उसने कहा हाँ। आपको सरकार ने लाल बत्ती की गाड़ी भी दी होगी? उसने कहा हाँ मुझे दी है। तो आप एक काम किया करो, हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में एक बार अपने उस लाल बत्ती की गाड़ी में एक दिन बैठो और आप जिस बस्ती में रहते हो उस बस्ती में एक बार चक्कर लगा के आया करो। उसने कहा ठीक है। और फिर बाबा साहब अपना पेपर पढ़ने में व्यस्त हो गए। आधे घंटे के बाद जब बाबा साहब ने पेपर हटाया तो देखा, अरे वो कलेक्टर अभी भी खड़ा है। बाबा साहब ने सवाल किया, आप क्यों खड़े हो? कलेक्टर ने कहा कि आपने मुझे बुलाया था ना, आपको कुछ बात करनी थी ना। बाबा साहब को पता चल गया कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने पेपर साइड में रखा और कहा, आपको पता है मैंने क्यों कहा कि आप अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी बस्ती में एक चक्कर लगा के आओ? आपको पता है मैंने क्यों कहा? उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन आप अपनी गाड़ी में बैठकर, लाल बत्ती के गाड़ी में बैठकर अपनी बस्ती में जाओगे, जैसे ही आपकी गाड़ी आपकी बस्ती में आएगी, कुछ औरतें रास्ते पर कपड़े धो रही होंगी। रास्ते में कपड़े धो रही होंगी, कपड़े धोते धोते वो आपको देखेगी। आपकी गाड़ी थोड़ी आगे जाएगी, जैसे ही आगे जाएगी कुछ औरतें बर्तन मांझ रही होंगी, बर्तन मांझते मांझते वो आपको देखेगी। वो कपड़े धोने वाली औरत, वो बर्तन मांझने वाली औरत कपड़े धोते धोते बर्तन मांझते मांझते ये सोचना शुरू कर देगी, अरे कल तक हमारे बस्ती में खेलने वाला बच्चा आज लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने लगा, अगर वो आईएएस बन सकता है तो मेरा बच्चा भी आईएएस बन सकता है। ये उम्मीद उसके दिल में जागेगी और वो भी अपने बच्चे को आईएएस बनाएगी। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके बस्ती से गया हुआ आईएएस बना हुआ लड़का कभी गाड़ी लेकर आपके बस्ती में आया? हमारे बच्चे हमारे बस्ती में से जाते हैं, आईएएस बनते हैं, लेकिन फिर उस समाज में फिर लौट कर नहीं आ रहे, लौट के नहीं आ रहे। आज हमारे नेता किस बात को आगे करते हैं पता है?
बाबा साहब ने भी ब्राह्मण औरत से शादी की थी, तो इसलिए हमने बाबा साहब का आदर्श लेते हुए हम भी ब्राह्मण औरत से शादी कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में रामदास अठौले हैं, मेरे चाचा प्रकाश अम्बेडकर हैं, या आपके आप रामविलास पासवान हैं, हमारे नेता। देखिए मर्द किसे कहते हैं पता है? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण कन्या से शादी की, लेकिन उस ब्राह्मण औरत को बुद्धा के चरणों में लीन करवाया। हमारे नेताओं ने ब्राह्मण औरतों से शादी की, लेकिन उन ब्राह्मण औरतों को बुद्धा के चरणों में नहीं, वो खुद गणपति के चरणों में चले गए। वो खुद उन देवी देवताओं के चरणों में चले गए। हमारे नेता इस तरह का बर्ताव करने लग गए तो हमारा समाज किसको फॉलो करेगा? आज बौद्ध धर्म का आंदोलन जो बाबा साहब ने इस देश में खड़ा कर किया, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमने बाबा साहब अंबेडकर जी को केवल राजनीति तक सीमित कर दिया है, केवल राजनीति। अगर राजनीति तक ही आपको सीमित करना है तो आज इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर समुदाय आपका है, राजनीतिक ताकतवर आप लोग हो। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति आपके समुदाय का है ना। अगर राष्ट्रपति आपका है तो आप लोग तो सबसे ताकतवर हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हमको लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, तो हम पुलिस के पास जाएंगे, हम एसपी के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, एमपी के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, कुछ उत्तर प्रदेश में आपके ही नजदीक है और उत्तर प्रदेश की घटनाएं आप लोग सुनते रहते हो। पिछले 2 या 3 महीने पहले डीसीपी सुबोध राम, आप लोगों ने सुना होगा, सुबोध कुमार या प्रबोध कुमार ऐसा कुछ नाम है, डीसीपी अखलाक मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अखलाक मैटर में, और उन्होंने देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इस अखलाक मैटर में दोषी है। इस बजरंग दल के लोगों ने एक झूठा बनाव किया और खेत में कोई गाय काट रहा है इस बात को उन्होंने फैलाया। डीसीपी खेत में सुबह 11 बजे देखने के लिए आए और देखने के लिए आए डीसीपी को सर में गोली मार दी। डीसीपी पुलिस हवलदार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, इस प्रशासन में डीसीपी रहे आदमी को सर में गोली मारी जाती है दिन दहाड़े, और हमको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने अन्याय कर दिया तो हम पुलिस के पास जाएंगे। यहां पुलिस खुद गोली खा रही है। चलो पुलिस बहुत छोटा उदाहरण हो गया, मैं उससे भी बड़ा उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस लोया, नाम सुना है ये 4 महीने में आप लोगों ने, जस्टिस लोया, जस्टिस लोया अमित शाह के इन्वेस्टिगेशन का मैटर उनके बेंच के सामने आया। जस्टिस लोया ने नोटिस भिजवाई कि अमित शाह एक भी दिन कोर्ट में हाजिर नहीं रहता, अगली डेट को अगर ये नहीं आया इसको अरेस्ट करके लेकर आओ। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने नोटिस भिजवाई, समन्स भिजवाया कि इसको अरेस्ट करके लेके आओ, और फिर जस्टिस लोया को उन्हीं के एक जज ने अपनी बेटी के शादी के लिए नागपुर में बुलवाया, नागपुर बुलाया। एक बॉम्बे हाईकोर्ट के जज का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल, वहां की एसपी, वहां की पुलिस प्रशासन, वहां का सारा स्टाफ उस जज के देखभाल के लिए वहां पर हाजिर रहता है। जस्टिस लोया वहां के सरकारी गेस्ट हाउस में रुके, उस जज के बेटी की शादी अटेंड की, रात को 12 बजे रेस्ट हाउस पर आए, अपने बीवी को मुंबई में फोन किया कि मैंने
शादी अटेंड कर ली है, सुबह के फ्लाइट से मैं मुंबई आ रहा हूं। उनकी एज 43 इयर्स की है, 43। उनके पूरे फैमिली में किसी को भी हार्ट की बीमारी नहीं है। आज भी उनके पिताजी 80 साल के हैं, बीपी की एक गोली तक नहीं खाते। जस्टिस लोया अपनी बीवी से बात करके उन्होंने फोन रखा और अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया। अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और अटैक आने के बाद उनको एक रिक्शा में डाला गया। ऑटो रिक्शा पता होगी ना आपको, ऑटो रिक्शा में डाला गया और ऐसे हॉस्पिटल में लेके गए जहां पर ईसीजी मशीन भी नहीं है, जहां पर ईसीजी मशीन नहीं है और किसी को भी पूछा नहीं, उनका पोस्टमार्टम कर दिया और आरएसएस के वर्कर ने उनकी बॉडी उनके पिताजी के माता पिता के घर में गांव में पहुंचवा दी, उनके गांव पहुंचा दी गई। यह मैटर कोर्ट में आया कि जस्टिस लोया का खून हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खून करार नहीं दिया। जस्टिस लोया के जगह पर दूसरा जज बिठा दिया गया और हफ्ते भर में अमित शाह को बरी कर दिया गया। हफ्ते भर आप किसके पास जाओगे, कोर्ट जाओगे? अरे जहां पर न्याय देने वाले लोगों को इस तरह से मरवाया जा रहा है, आप किससे उम्मीद कर रहे हो? चलो अभी सबसे बड़ी पोस्ट बता देता हूं, राष्ट्रपति, उसके ऊपर तो कोई है नहीं। हमको लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय हो गया तो हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। यही राष्ट्रपति पिछले 6 महीने पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर गए थे। जगन्नाथपुरी के मंदिरों के ब्राह्मणों ने बोला, अरे ये तो दलित है, दलित भी नहीं महादलित है, ये हमारे मंदिर में कैसे आया? वहां के ब्राह्मणों ने धक्के मारकर राष्ट्रपति को मंदिर से बाहर निकाला। वो राष्ट्रपति आज तक उन ब्राह्मणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। जो राष्ट्रपति खुद के लिए न्याय नहीं मान सकता, वो आपको क्या न्याय देगा? वो आपको क्या न्याय देने वाला है? और इसलिए ये मेरे ख्याल से बाबा साहब ने ये 2018, 2019, 2500 तक का चित्र बाबा साहब ने देखा हुआ है। इसलिए बाबा साहब ने जाने से पहले क्या व्यवस्था दी है आपको पता है? 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस के लिए गए। 28 देशों के बौद्ध राष्ट्रों के सामने बाबा साहब ने इस देश की समस्या वहां पर रखी। बाबा साहब 1952 में गए, 1954 में गए, 1956 में गए। बाबा साहब ने जाने से पहले हम लोगों को ऐसी व्यवस्था दी है कि ये जो हमारी यहां पर एक बच्ची बैठी है ना, ये बच्ची, इस बच्ची को गाल पर भी किसी ने ऐसा चाटा मार दिया तो पूरा बौद्धिस्ट कंट्रीज आपके भगवाड़ा में आकर आपके लिए खड़े हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने जाते जाते हमारे हाथों में दी है। लेकिन हम लोग आज तक वहां पर नहीं गए, हम लोग आज तक वहां नहीं गए। आज लोग भारत के बाहर जाते हैं जिनका कोई बौद्ध धर्म से लेना देना नहीं, ऐसे लोग इस देश से बाहर जाकर खुद को बौद्ध बता रहे हैं। मैं पिछले कॉन्फ्रेंस के लिए, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस के लिए जब जापान में गया तो मुझे बहुत शॉकिंग न्यूज मिली, बहुत। मुझे जापान के लोगों ने कहा कि इस बार पहली बार भारत के इतिहास में भारत को एक बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला है। मैंने उनको पूछा, आपको किसने कहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बुद्धिस्ट है? आपको किसने कहा? तो क्या उन्होंने कहा, हमारे देश में आते तो बुद्ध की मूर्ति लेकर आते हैं, हमारे देश में आते तो बुद्ध विहार में जाते हैं, क्या वो बुद्धिस्ट नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं,
आपके यहाँ पर बुद्धा की मूर्ति लेकर आते हैं, लेकिन जो जिस स्टेट में वो रहते हैं वहां पर बौद्ध धर्म के धर्मांतरण को इन्होंने कानूनी बंदी डाल रखी है। दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे वहां मिली, देखिए आप लोगों ने बौद्ध भिक्खु कभी देखा है? बौद्ध भिक्खु, बौद्ध भिक्खुओं के शरीर पर कौन से रंग का चीवर होता है? कौन से रंग का? भगवे रंग का। बौद्ध भिक्खुओं के सर पे बाल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। आपने कभी यूपी के सीएम को देखा है? यूपी का सीएम उसी भगवे वस्त्र में होता है। चलो आप हिंदुओं के धर्मगुरु हो इसलिए वो कलर का कपड़ा पहनते हो, ठीक है, लेकिन इस देश का ब्राह्मण तो चोटी रखता है, रखता है कि नहीं? चोटी रखता है कि नहीं? क्या यूपी का सीएम कोई चोटी रखता है? कोई चोटी नहीं रखता। पता है इन लोगों ने बाहर जाकर क्या कहा है? पूरे विश्व के बहुत राष्ट्रों को जाकर इस देश के इन ब्राह्मणी व्यवस्था ने कहा कि पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश में एक बौद्ध भिक्खु सीएम बना है। बौद्ध भिक्खु पिछले एक महीने पहले बर्मा में इनका स्पीच में सुन रहा था, ये स्पीच में कहता है कि हमको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अगर इनको पूछा गया अष्टांगिक मार्ग में आठ मार्ग कौन से हैं, वो दो मार्ग नहीं बता पाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह से घुसपैठ हो गई है। आज जो धम्म बाबा साहब ने आपके लिए दिया, क्या लिखते हैं बाबा साहब पता है? मैं कौन सा बुद्धिज्म इस देश में खड़ा करना चाहता हूं? मेडिटेशन वाला, अभिधम्म वाला, कंटेम्पलेशन वाला? बिल्कुल नहीं। मैं इस देश में मेडिटेशन, अभिधम्म और कंटेम्पलेशन वाला बुद्धिज्म नहीं, सोशल जस्टिस वाला बुद्धिज्म इस देश में खड़ा करना चाहता हूं, सोशल जस्टिस। लेकिन आज जो बुद्धिज्म हम लोग इस देश में फॉलो कर रहे हैं उसमें से सोशल जस्टिस ही निकल गया है। सोशल जस्टिस आज उस बुद्धिज्म में नहीं दिखाई देता। कैंडल लगाओ, त्रिशरण, पंचशील, बस हमारा काम खत्म हो गया। हम लोगों को बाबा साहब के इस मोमेंट को आगे लेकर जाना होगा। केवल राजनीति तक बाबा साहब को सीमित रखकर हम लोग बाबा साहब के काम पर अन्याय कर रहे हैं। इस देश की व्यवस्था ने बाबा साहब को न्याय नहीं दिया, हमको क्या न्याय देगी? मैं उदाहरण के साथ कहूंगा, आपको लगता होगा मैं किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? 1991। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण होने के बाद 30-35 साल बाद भारत की व्यवस्था बाबा साहब को भारत रत्न किताब देती है। लेकिन आपको पता है 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का प्रेसिडेंट बाबा साहब के जीवित पर नहीं, पूरे विश्व के बौद्ध मिलकर बाबा साहब को बोधिसत्व पदवी दे देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पदवी बाबा साहब के जीवित पर में देते हैं। इतनी बड़ी पदवी, पूरा विश्व आज भी आपको न्याय देने के लिए तैयार है। कितना काम किया है बताएं बाबा साहब ने हमारे लिए। आज मैं बाबा साहब का परपोता हूं, थर्ड जनरेशन के बाद आता हूं, तीसरे जनरेशन का, लेकिन उनके काम का बेनिफिट आज भी मैं ले रहा हूं। हमने कोई काम नहीं किया, हम जो भी कर रहे हैं वो केवल बाबा साहब के बेनिफिट ले रहे हैं। जब मैं यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस के लिए गया, 80-85 कंट्रीज के लोग कहने के बजाय वहां के स्कॉलर्स, किसी देश के राष्ट्रपति, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, अलग अलग देश के प्रभावशाली बुद्धिस्ट लोग उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। हम लोग क्या करते थे, 5 दिन की इस कॉन्फ्रेंस, तो जब लंच आवर होता था, लंच ब्रेक होता था,
तो हम लोग उत्सुकता से अलग अलग देश के लोग कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं वो देखते थे। जापान के लोग कैसे दिखते हैं, चाइना के लोग कैसे दिखते हैं, थाईलैंड के लोग कैसे दिखते हैं, अमेरिका, फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अलग अलग देशों के लोगों के साथ हम फोटो खिंचवाते हैं, उनसे बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं। वो लोग भी यही कर रहे थे। ऐसे घूमते 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 चाइना के लोग आकर हमसे टकरा गए। चाइना के लोगों ने हमसे पूछा, विच कंट्री, कौन से देश से हो आप लोग? हमने उनको जवाब दिया, इंडिया, भारत से हम लोग। क्या कहा बताएं चाइना के लोगों ने? ओह, अंबेडकर से इंडिया। आज भी इस देश को भारत के बाहर मोदी का या गांधी का भारत के नाम से नहीं, अंबेडकर के नाम से जानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी के भारत के नाम से जानते हैं। इतनी ताकत बाबा साहब ने हम लोगों को दे रखी है, इतनी ताकत। लेकिन हम लोग उस ताकत को पहचान नहीं पा रहे, वहां तक नहीं जा पा रहे। हमको वहां पर जाना होगा, वहां पर अपनी समस्याओं को रखना होगा। बाबा साहब ने मुझे कोई भी, अब निर्देश जी है यहाँ पर, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर बैठे हैं, मूवमेंट के लोग बैठे हैं, मुझे कोई भी एक प्रश्न बताओ जहां पर बाबा साहब ने इस देश की व्यवस्था के सामने कोई अधिकार मांगा हो, या बाबा साहब इस देश के व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाए हो। 1919 साउथ ब्यूरो कमेटी, 1935, 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइबर कमीशन, रामसन मैकडॉनल्ड, कभी बाबा साहब ने गांधी जी के सामने हाथ फैलाए? कभी बाबा साहब ने नेहरू के सामने हाथ फैलाए? बल्कि जिस व्यवस्था को बाबा साहब ने बाहर से लाया था, इस देश के चातुर्वर्ण व्यवस्था ने छीनने का काम किया। छीना, जो बाबा साहब ने लाया था वो भी इन्होंने हमारे हाथ से छीन लिया। कॉम्युनल अवार्ड 1932 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने पूरे इंटेलेक्चुअल के बेसिस पर जीत कर लाया, वो गांधी ने छीन लिया, गांधी ने छीन लिया। आप लोग मेरे ख्याल से उस सर अभी चले गए, वो कह रहे थे कि हमारे एमपी चुन के आते हैं, एमएलए चुन के आते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं करते। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट्स के एमपी और एमएलए की बात कर रहा हूं। आपको लगता होगा कि ये बाबा साहब के चुने हुए या बाबा साहब के अधिकार की वजह से चुने हुए लोग हैं, बिल्कुल नहीं। ये बाबा साहब का रिप्रेजेंटेशन करने वाले एमपी एमएलए नहीं है, ये गांधी के वो दलाल है जो गांधी के कॉम्युनल अवार्ड को हटाने के बाद जो पुणे करार करवाया गया, ये वहां के दलाल पैदा हो गए। ये हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता नहीं है ये। बाबा साहब ने हमारे लिए जो काम किया है उसको हमको अगली पीढ़ी तक लेकर जाना होगा, वो ट्रांसफर करना होगा। आज हमारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, आईएएस हो रहे हैं, आईपीएस हो रहे हैं, लॉयर्स बन रहे हैं। देखिए, मैंने पिछले बार भी ये बात, मैं शायद जालंधर में था, मैडम ने ही मुझे बुलाया था, चंचल मल मैडम ने मुझे उस कार्यक्रम के लिए बुलाया था, ये बात मैंने तब भी वहां पर रखी थी। अलग अलग राज्यों के लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब की संपत्ति क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या मिला आपको बाबा साहब की संपत्ति में से, कितने बंगले हैं आपके पास, कितने कॉलेजेस हैं आपके पास, कितनी जमीन है आपके पास। ऐसा सवाल मुझे अलग अलग राज्यों के नेता पूछते रहते हैं। देखिए, बाबा साहब अगर चाहते तो क्या शुगर फैक्ट्री खड़ी नहीं कर सकते थे? बाबा साहब अगर चाहते तो क्या कॉटन मिल खड़ी नहीं कर सकते थे, पेपर मिल खड़ी नहीं कर सकते थे? लेकिन बाबा साहब ने शुगर फैक्ट्री, पेपर मिल या कॉटन इंडस्ट्री खड़ी नहीं की। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खड़ी की ताकि मेरे समाज के बच्चे पढ़ सके।
पार्षद बोलते हो शायद, पार्षद होता है आप लोगों के यहाँ पर, म्युनिसिपैलिटी का जो चेयर पार्षद, हम लोग नगर सेवक बोलते हैं महाराष्ट्र में। ये पार्षद 5 साल के लिए चुनकर आता है तो वो एक ही टर्म में इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि अगले 5 पीढ़ी तक उसको कमाने की नौबत ना आए, इतना पैसा वो एक ही टर्म में कमा लेता है। तो इस हिसाब से मुझे पूछते हैं कि बाबा साहब के पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे मिले, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ तब बाबा साहब अंबेडकर 4-4 खातों के मंत्री रह चुके थे। तो सोचो एक पार्षद 5 साल के टर्म में इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है तो 4-4 खातों के मंत्री ने कितना पैसा कमाना चाहिए। इसलिए कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है। बाबा साहब का जब महापरिनिर्वाण हुआ, मेरे पास वो पेपर्स है, बाबा साहब अंबेडकर जी का बैंक अकाउंट बॉम्बे की ग्रीनलेस नाम की एक बैंक है, ग्रीनलेस, उस ग्रीनलेस में बाबा साहब का सेविंग अकाउंट था और उस सेविंग अकाउंट में केवल 15,000 रुपए थे। 15,000 रुपए बाबा साहब की प्रॉपर्टी। 4-4 डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके बाबा साहब, उनके खाते में 15,000 रुपए। फिर बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या है, क्या है बाबा साहब की प्रॉपर्टी? आज मैं आप लोगों के सामने बाबा साहब की प्रॉपर्टी को जाहिर करता हूं। आज इस समाज में जो डॉक्टर तैयार है, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, लॉयर बने, प्रोफेसर बने, ये है बाबा साहब की असली संपत्ति, ये है बाबा साहब की प्रॉपर्टी, ये तैयार किया बाबा साहब अंबेडकर जी। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी का जो मूवमेंट है उसको आगे लेकर जाना होगा, अंबेडकर वाद इसको हमको आगे लेकर जाना होगा। क्या है अंबेडकर वाद? किसी को पूछा डिफाइन अंबेडकर वाद, व्याख्या करो अंबेडकर वाद की व्याख्या क्या है? क्या कुछ एमपी चुनकर संसद में भेजना, क्या बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना, यह है अंबेडकर वाद? मैं आपको सादे सरल भाषा में अंबेडकर वाद समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता आप लोग कितना गांधी जी को मानते हो या नहीं मानते, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। देखिए गांधी जी भी बैरिस्टर आदमी है, गांधी बैरिस्टर साउथ अफ्रीका में थे तब वकीली किया करते थे, वहां पर वकील थे, और वकीली क्या धोती में करते थे? वहां पर साउथ अफ्रीका में सूट बूट टाई कोट में वो वहां पर वकीली करते थे, सूट बूट टाई कोट में। लेकिन साउथ अफ्रीका के लोगों ने देखा कि गांधी जी यहां पर रेसिज्म कर रहे हैं, वर्णवाद करते हैं। साउथ अफ्रीका के लोगों ने गांधी जी को साउथ अफ्रीका से भगा दिया और फिर गांधी जी भारत में आए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि समय मुझे बता दीजिएगा क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हो तो मैं रुक जाऊंगा। गांधी जी भारत में आए, भारत में आने के बाद उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मुझे इस भारत में आंदोलन खड़ा करना है, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, गांधी जी आप अभी अभी भारत में आए हो, मैं आपसे विनती करूंगा कि पहले आप भारत का दौरा करके आओ। तो गांधी जी पूरे भारत का दौरा करके उस गुरु के पास गए और गुरु को कहा, अरे इस देश के लोग तो भूखे नंगे हैं, ये तो नंगे भूखे लोगों का देश है। गुरु ने कहा, अगर इनका नेता बनना चाहते हो तो अगर लोग नंगे हैं तो खुद भी नंगे हो जाओ, अगर लोग नंगे हैं तो खुद भी नंगे हो जाओ। सूट बूट टाई कोट पहनने वाले गांधी, उन्होंने सूट उतारा,
टाई उतारी, शर्ट उतारा, वो पैंट उतारी और धोती पहनना शुरू कर दिया। फिर वो लोगों के सामने गए। लोगों को लगा हम भी नंगे, ये भी नंगा, हमारा मसीहा आ गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्लेटफॉर्म पर उदय हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी पूरे भारत का दौरा किया और बाबा साहब ने भी देखा, अरे इस देश के लोग तो वाकई में गरीब हैं, भूखे हैं, नंगे हैं। बाबा साहब की आर्थिक परिस्थिति नहीं थी, फिर भी बाबा साहब ने कोट पहनना शुरू कर दिया। बाबा साहब ने कोट पहनना शुरू कर दिया और इसलिए अंबेडकरवाद क्या है?